अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप। अच्छा, आज हमने चैप्टर 11 स्टार्ट करना था, लेकिन अब ये है कि मैसेजेस आ रहे थे कि पहले एवरेज करा दें, तो फिर मैंने कहा पहले एवरेज कर लें, फिर उसके बाद हम बाकी करेंगे। हमारा एवरेज बेसिकली है क्या, क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एवरेज। एवरेज ये होता है कि फार्मूला एवरेज का क्या होता है कि सम ऑफ गिवन क्वान्टिटीज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़। ठीक है, कोई भी अगर हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम उन वैल्यूज़ को काउंट कर देंगे। सपोज़ हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं तो हम उन 4 वैल्यूज़ का सम ले लेंगे, प्लस कर देंगे और फिर हम उसको 4 से ही डिवाइड कर देंगे। अगर एवरेज इस लिहाज से भी देखा जाए कि अगर आपकी क्लास में सपोज़ कर लेंगे 20 स्टूडेंट्स हैं, आपने इंग्लिश के मार्क्स की सबकी एवरेज फाइंड करनी है पूरी क्लास की कि क्या एवरेज है इंग्लिश के मार्क्स की, तो आप उन 20 स्टूडेंट्स के जितने भी उन्होंने इंग्लिश में ऑब्टेन मार्क्स उनके मार्क्स आए हैं, आपने उनको क्या करना है, उन सब के मार्क्स को प्लस कर देंगे और जितने स्टूडेंट्स हैं 20 स्टूडेंट्स, तो हम उसको 20 पे डिवाइड करके देंगे, तो उसे कहते हैं एवरेज फाइंड कर ली हमने। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा यूनिट नंबर 9 है और चैप्टर हमारा 15 है और नेम इसका है डेटा हैंडलिंग। और पेज नंबर जहाँ से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, पेज 164, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले इससे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है कि सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज़ गिवन क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक हो गया, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव होते हैं, जो कि पेज नंबर है 166 पर और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है हमारी 15.1 और क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन हैं, अब पहले हम इनको काउंट करेंगे कि कितनी वैल्यूज़ हैं। 1, 2, 3, 4, 5 फाइव वैल्यूज़ हैं ना, तो हम इन फाइव वैल्यूज़ को पहले प्लस करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम इसको। एवरेज हम फाइंड कर रहे हैं ना, 36 प्लस 42 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 17 और डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 फाइव से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम इनको प्लस करेंगे सब वैल्यूज़ को, 36 42 47 53 और 17 8 प्लस 7 15 और 3 18 18 और 7 25 5 2 कैरी 3 और 2 5 प्लस 4 9 13 और 18 प्लस 1 19। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 195 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको जो भी आंसर आए इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 ज़ार 15 4 आ गया और 5 9 ज़ार 45, तो हमारी एवरेज क्या आ गई, 39। ये हमने एवरेज फाइंड कर ली, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक हो गया, इसी तरह हम इसके सारे पार्ट्स करेंगे। कुछ मैं कराती हूँ, अब जैसे ये बी पार्ट है, इसमें भी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम इन 6 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 6 से 6 वैल्यूज़ हैं, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। सी पार्ट में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ हैं, तो आप इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। डी पार्ट में, अब मैं एक डी पार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं 42 प्लस 46 प्लस 53 प्लस 48 प्लस 49 प्लस 54 प्लस 40
प्लस 44। अब इसको देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। इन सब वैल्यूज़ का हम सम ले लेंगे और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे। इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके हमारा आ रहा है 376 डिवाइडेड बाय 8। फिर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4s are 32, 5 or 8 7s are 56। तो इसकी एवरेज कितनी आ गई, 46 47। अच्छा जी, अब ई पार्ट में ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, एवरेज हमने फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे 990 प्लस 1000 प्लस 998 और 1002 प्लस 1000, ठीक हो गया। अभी कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। इन सब वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो 4990 बन रहा है और डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको 5 से डिवाइड करें, फाइव नाइन्स आर 45 और 5 8s are 40, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया 9998, ठीक हो गया। और इसी तरह एफ पार्ट भी आप करेंगे, ये मैंने किया था ई पार्ट। अच्छा जी, अब एफ पार्ट में भी आप 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज हैं, इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन जब इनको प्लस करेंगे तो आप ये समझ लेंगे 3 2 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। और इसके बाद पार्ट को मैं लिखने लगी हूँ, जी पार्ट हमारा है 5 होल 1/3 प्लस 3 होल 1/2, 4 होल 1/4 प्लस 4। तो 5 3s are 15 और 1 16/3 प्लस 6 or 7/2 प्लस 4 4s are 16 और 17/4 और प्लस आप ये कंसीडर कर लेंगे 4 5 1। हम 3 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 2 और 4 का एलसीएम लें, 2 से करेंगे, 2 1s are 2 2s are, आप पहले 2 से 1 1 लाना होता है ना एलसीएम के लिए यहाँ पर, तो 3 2s are 6 6 2s are 12। अब एक तो ये मेथड है कि आप एलसीएम ले लें, और दूसरा ये है कि अगर एलसीएम नहीं लेते तो डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए जिस वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर करेंगे। अगर हम 12 एलसीएम ले रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 3 4s are 12, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4s are 12, तो 16 4s are प्लस 2 6s are 12, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू से। अब 4 3s are 12, तो 17 multiply by 3। इसी तरह इसको हम 12 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 multiply by 12, 16 4s are 48 प्लस 7 6s are 42, 7 3s are 57 51, 17 3s are 51 प्लस 12 4s are 48, ठीक हो गया। अब हम इसको सब वैल्यूज़ को प्लस करके, हमने प्लस करने से हमारे पास आ रहा है 205 divided by 12। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 17.1। अब ये तो था अभी हमारे पास एलसीएम लेके जो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब हम इसकी एवरेज कैसे फाइंड करेंगे कि कितनी वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4, तो एवरेज के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे,
पॉइंट ऊपर चला गया, नीचे वन आ गया, फोर टू ज़ार एट, फोर सेवन ज़ार ट्वेंटी एट, टू आ गया ज़ीरो और फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी। तो ये अब हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी। ये तो था इसका जी पार्ट। अब हम सेम ऐसे ही आप इसका एच पार्ट करेंगे। और अब मैं आपको ये पॉइंट वाले इनमें से करा देती हूँ। पॉइंट में क्या है, 5.8 प्लस 7.6 प्लस 8.3 प्लस 5.7 प्लस 1.6 और प्लस 7.0 इसका। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ हैं तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इन सब वैल्यूज़ को हम प्लस करें। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। सेवन ट्वेंटी फोर और सिक्स थर्टी। तो 0, 3 कैरी आ गया। 8 प्लस 7 15 और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 5 28 और 1 29 और 7 29 36। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास सब वैल्यूज़ को प्लस करके, 36.0 डिवाइडेड बाय 6 और 6.0 लिखें या 6 लिखें, एक ही बात है। ये इसकी हमने एवरेज फाइंड करनी। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका एक और पार्ट कर देती हूँ मैं आपको। इसका हम करते हैं इसका के पार्ट कर लेते हैं। 43 प्लस 42.1 प्लस 46.0, बल्कि ज़ीरो लगा देंगे, ज़ीरो और प्लस 45.6 प्लस 43.5। और ये कितने वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे के पार्ट इसका, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ प्लस करते हैं। 43.0, 42.1, 46.0, 45.6 और 43.5। टू कैरी, ये आ गया हमारे पास 22। ठीक हो गया। और 220.2 डिवाइडेड बाय 5, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। 220.2 5, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, 5 4 20, फिर 5 4 20, ये पॉइंट ऊपर चला गया, नीचे 2 आ गया, और ये तो अभी पॉइंट ये वाला ऊपर गया ना, यहाँ अब हम 0 लगाएंगे और 5 4 20, ठीक हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में
फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। तो अब क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है फर्स्ट फाइव इवन नंबर। तो पहले ये बताएं कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो टू पे डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट फाइव नंबर इवन लिख लेंगे पहले हम, 2, 4, 6, 8, 10, ये फर्स्ट फाइव इवन नंबर है। इनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो हम इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। फाइव नंबर्स हैं तो फाइव से डिवाइड कर देंगे, ये बनेगा 30/5 और 6। बी पार्ट है फर्स्ट सेवन ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो टू पे डिवाइड नहीं होते, मतलब इनके अलावा जो बाकी बचते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये हमारे पास फर्स्ट सेवन ऑड नंबर थे। तो हम इन सबको प्लस करेंगे, और सेवन नंबर्स हैं तो सेवन से डिवाइड कर देंगे। इन सबको प्लस करने से आता है 49/7, तो 7 आंसर आ गया। अब हमारा सी पार्ट है कि फर्स्ट फोर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके फैक्टर्स बनते हैं, टू से ज़्यादा फैक्टर्स बने जिनके, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, 3, 6, बल्कि इसमें 4 भी आता है, 1, 2। अब हमारे पास कंपोजिट नंबर वो होते हैं, एक प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं डिवाइड होते, और सिर्फ उनके दो फैक्टर्स बनते हैं, 1 और 1, वही नंबर। और कंपोजिट वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अब इसमें 3 भी है और 4 भी है, तो चलो 6 को मैंने पहले लिख लिया। और 3, 6, 4 और कितने लिखे हैं, फर्स्ट फोर कंपोजिट नंबर। 2 तो नहीं है कंपोजिट नंबर, 4 हो गया, 5 भी नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 कंपोजिट नंबर है। हमने कितने लिखने हैं, फर्स्ट फोर लिखने हैं ना, फर्स्ट फोर कंपोजिट नंबर। तो बस यही है फर्स्ट फोर नंबर, 4, 6, 8, 9, इनमें से हम, ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, फर्स्ट फोर लिखने हैं ना, तो इनको हम प्लस कर देंगे, 3 + 4 + 6 + 8 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये 7 और 6, 13 और 8, 21। थ्री क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं, 3 तो वो नंबर है, 3 तो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। सी पार्ट हम दोबारा से करते हैं। हमारे पास हमने लिखने थे फर्स्ट फोर कंपोजिट नंबर, तो वो बनते हैं 4, 6, 8 और 9, इनको हम प्लस करेंगे। टेन, 18, 27/4, तो इसको डिवाइड करने से 6.46 और 20, 24, और यहाँ से कितना बच गया, 3, तो 4, 7 और 4, ठीक हो गया, ये था सी। अब हमने करना है इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, फर्स्ट सिक्स मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स 3 का टेबल, 3 के फर्स्ट सिक्स मल्टीपल्स, 6, 9, 12 और 15 और 18, ये 1, 2, 3, 4, 5, हम इसको लिखेंगे 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 से इसको डिवाइड कर, ये आ रहा है 15, सबको प्लस करके 63। उसको 10.5। बी पार्ट ऑड नंबर बिटवीन 30 एंड 40, बिटवीन ऑड नंबर बिटवीन
30 और 40 ऑड नंबर, 31, 33, 35, 37, 39, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर बन रहे हैं, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। और ये टोटल कितने 5 हो गए। अब इन सबको हम प्लस कर दें तो 175 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना बन गया, 35। ठीक हो गया, ये हमारा ई पार्ट। अब हमारा लास्ट पार्ट है इसका एफ पार्ट। फर्स्ट 10 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फर्स्ट 10 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन सब नंबर को हम प्लस कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 10 नंबर्स थे तो किससे डिवाइड कर देंगे इसको, 10 से। तो ये प्लस करके 55/10 डिवाइड करके 5.5। ठीक है, ये हमारा एफ पार्ट हो गया। अब इसके साथ हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ 5 वुडन पीसीज आर, 5 वुडन पीसीज की हाइट ये दी हुई है। इस हाइट को हम सबको प्लस कर देंगे, 140 + 150 + 152 + 158 + 161 सेंटीमीटर में गिवन है और कितने हैं 5, तो इन सबको हमने प्लस करके 761 बन गया और आफ्टर डिवीजन 152 पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलोइंग आर द वेट इन केजी ऑफ 12 न्यू बॉर्न बेबीज ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब ये 12 बेबीज के वेट है न्यू बॉर्न बेबीज का। ठीक है, अब 12 हैं तो इन सबको हम प्लस करके 12 से डिवाइड कर देंगे इसको। इसको हम सबको लिखेंगे और फिर टर्म्स इधर ही मैं एडजस्ट करके लिख लेती हूँ। 3.5, 2.8, 3.6, 4.0, 2.5, 3.6, 4.1 + 3.2, 3.8, 4.5 + 3.2 + 3.4 तो ये टोटल कितने वैल्यूज़ थी, 12। अब इन सब वैल्यूज़ को एवरेज के लिए ये होता है कि हम इसको सब वैल्यूज़ को प्लस करके 12 से डिवाइड करेंगे ना, तो शुरू में हमने इक्वल भी लगाना। अब इन सब को प्लस करने के बाद आंसर बनता है 42.2 डिवाइडेड बाय 12 एंड द आंसर विल बी 3.52 केजीज में। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये यहाँ तक जहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो या किसी भी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।